Hello students, now we'll see exercise 2.3 of your 10th standard polynomial chapter number 2. Find q of x and r of x. Q of x means what? Quotient, and r of x means what? Remainder. When this polynomial p of x, that is x cube minus 3x square plus 5x minus 5, is divided by g of x is equals to x square minus 2. जब ये p of x को हम g of x से divide करते हैं, तो जो quotient आता है और remainder आता है, वो हमें लिखना है. तो पहले हम क्या करेंगे? X cubes को x square से divide करेंगे. तो जब x cube को x square से divide करते हैं, answer क्या आता है? X, x को हम quotient में लिख देंगे. तो x square into x क्या होगा? X cube होगा. और ये हो जाएगा 3 2 जा ये क्या हो जाएगा सॉरी x स्क्वायर इनटू x हो जाएगा x क्यूब एंड 2 इनटू x हो जाएगा 2x ठीक है प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा अभी ये x क्यूब का साइन प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे और ये माइनस है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे ये कट हो जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x माइनस 3 वापस से 3x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से सो व्हेन 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हियर इट इज माइनस 3 जो माइनस 3 को हम ऊपर लिखेंगे क्वोशेंट में लिखेंगे नाउ 3 इनटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड 3 2 जा 6 होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस 6 होगा अभी जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा प्लस और जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस ये कट हो जाएगा इधर 7x एज इट इज नीचे आएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और बड़े नंबर का साइन तो 6 plus 3 क्या हो जाएगा 9 और बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस तो इट विल बी माइनस 9 सो दिस इज व्हाट q ऑफ x इज एंड दिस इज व्हाट r ऑफ x इज इन द सेम वे सी सेकंड सम x रेज टू 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 सी x रेज टू 4 के बाद सीधा x स्क्वायर है तो हम 0x क्यूब को बीच में लिखेंगे देन 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू x square ये जो minus x term को interchange करेंगे minus x इधर आ जाएगा और plus 1 उधर चला जाएगा अभी जब हम divide करेंगे p of x को g of x से तो x raise to 4 को x square से divide करने पे x square answer आता है तो your carry forward will be x square into x square is what x raise to 4 x into x square is what x cube plus minus minus x cube x square into 1 is what 1x square वापिस से हम साइन चेंज करेंगे प्लस x रेज टू 4 है तो उसका माइनस x रेज टू 4 हो जाएगा माइनस x क्यूब का प्लस x क्यूब हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ये कट हो जाएगा इधर बचेगा x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वापिस x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो व्हेन x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर द आंसर विल बी x x को हम ऊपर लिखेंगे तो x square into x क्या हो जाएगा x cube, x into x क्या हो जाएगा x square plus minus minus और x into 1 हो जाएगा 1x वापिस से sign change होगा plus है तो minus है तो plus है तो minus ये x cube cut हो जाएगा minus 4x square plus x square तो minus 4 plus 1 क्या हो जाएगा minus 3x square ये 4x minus x will be plus 3x और plus 5 को नीचे carry forward करेंगे अभी ये जो माइनस 3x स्क्वायर है उसको x स्क्वायर से डिवाइड करो तो आंसर माइनस 3 आएगा जिसको हम ऊपर लिखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये 3 into x 3x और माइनस माइनस प्लस 3x और 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 ये साइन चेंज कर देंगे माइनस है तो प्लस तो ये कट हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस तो ये भी कट हो जाएगा और ये 5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का प्लस होगा और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 सो दिस इज व्हाट द रिमाइंडर इज एंड दिस इज व्हाट द क्वोशेंट इज सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड q ऑफ x एंड r ऑफ x बाय डिवाइडिंग टू पॉलीनोमियल नाउ सेम थिंग इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 Here you need to check that whether the first polynomial is a factor of second polynomial. So this is the first polynomial given to you that is t square minus 3 jisko humne g of t liya aur ye ho gaya 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 jisko humne p of t liya. G of t aur p of t ka matlab ho gaya polynomial in t aur g of t bhi hota hai polynomial in t. ठीक है तो अभी हम ये जो बड़ा पॉलीनोमियल है 2t raise to उसको डिवाइड करेंगे छोटे पॉलीनोमियल से सेम मेथड जो मैंने दो सम में बताया है ठीक है वैसे डिवाइड करके अगर आंसर 0 आता है
आंसर जीरो आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये टी स्क्वायर माइनस थ्री इसका फैक्टर है। अगर आंसर जीरो नहीं आता, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम बोलते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो जस्ट वी नीड टू चेक दैट वेदर द रिमाइंडर इज जीरो और नॉट। इफ रिमाइंडर इज जीरो देन वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल और इट इज अ फैक्टर। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Obtain all zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of the zero are under root 5 by 3 and minus 5 by 3. ठीक है, तो देखो 3x raised to 4 मतलब इसका पावर क्या है, 4 है। पावर 4 है मतलब x की भी 4 वैल्यू आएगी। अभी तक हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में करते थे तो जो चीज x स्क्वायर से चालू होता था तो हम बोलते थे उसका पावर 2 है, तो हमें 2x की वैल्यू मिलती थी जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें x रेज़ टू 4 से चालू हो रहा है मतलब पावर 4 है, तो आपको x की 4 वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दो जीरो दिए हुए हैं तो दूसरे दो ढूंढने पड़ेंगे, टोटल 4 जीरो होंगे। तो दो तो हमें दे दिए हैं, दैट अंडर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 बाई 3, तो वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 5 बाई 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस रूट 5 बाई 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस रूट 5 बाई 3 का स्क्वायर मतलब 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हम एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू जीरो, ये सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको हम 3x स्क्वायर माइनस 5 जो दूसरे दो जीरो दिए हैं उसकी वैल्यू पर से फाइंड करेंगे। तो देखो क्या करेंगे आगे, हम जो बड़ा पॉलिनोमियल है 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे जो नॉर्मल मेथड मैंने आपको सिखाया है उससे रिमाइंडर जीरो आएगा और कोशेंट ये आएगा। जब ये कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है उसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, 2x को 1x प्लस 1x लिखेंगे, ये दोनों में से x कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा, ये दोनों में से 1 कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा, तो योर आंसर विल बी x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा तो x का तीसरा वैल्यू आया माइनस 1 और चौथा वैल्यू भी x प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द अदर टू जीरो फ्रॉम द क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन मिला उसका हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमको दूसरी दो वैल्यू x की मिल गई। सो दिस इज हाउ व्हेन टू जीरोस इज गिवन टू यू यू कैन फाइंड अदर टू जीरोस। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4 पी ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय जी ऑफ एक्स द कोशेंट एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो आपको जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमने यूक्लिड्स में भी देखा था ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए होता है डिवाइजर, बी होता है डिविडेंड, सॉरी ए होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर एंड क्यू एंड आर कोशेंट और रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, वॉट इज पी ऑफ एक्स हियर, ये पॉलिनोमियल को मैंने लिखा इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मतलब जिससे डिवाइड करेंगे वो, मतलब जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड, एंड क्यू ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन जो आ गया, प्लस रिमाइंडर इज वॉट आर ऑफ एक्स। अभी क्या करेंगे, ये जो माइनस टू एक्स है इधर आके प्लस टू एक्स हो जाएगा और प्लस फोर इधर आके माइनस फोर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और ये x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, मतलब हमें g ऑफ x कैसे मिलेगा, जब हम x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट मिलेगा वही हमारा g ऑफ x होगा। और डिवाइड करना ऑलरेडी आपको मैंने अभी सिखाया है जो आपको आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिविजन एल्गोरिदम। पी ऑफ एक्स इज नोन एज डिविडन, जी ऑफ एक्स इज नोन एज डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स इज क्वेश्चन एंड आर ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। सो आई कैन राइट दिस एज इट इज, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं इंटू क्वेश्चन प्लस
remainder. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स. नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. यू नीड टू गिव एग्जाम्पल वेयर डिग्री पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री क्यू ऑफ एक्स. नाउ पी ऑफ एक्स आई हैव कंसिडर्ड, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें. इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि p ऑफ x मतलब जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और q ऑफ x मतलब जो रिमाइंडर आता है वो दोनों का डिग्री सेम है. तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. मैंने लिया 6x² + 2x + 2 को 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड करने पे इसका डिग्री भी 2 आया जो x² से चालू हो रहा है, q ऑफ x का डिग्री, और p ऑफ x का डिग्री भी 2 आया, मतलब दोनों का डिग्री सेम आ गया. तो ये मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. दूसरे एग्जाम्पल में बोला है कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स. क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या, क्वेश्चन, एंड आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर. तो मैंने पी ऑफ एक्स को लिया x³ + x, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, और जी ऑफ एक्स को लिया x². जब x³ + x को x² से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा x. तो इधर भी x का पावर क्या है, 1 है, और इधर भी x का पावर 1 है, मतलब दोनों की डिग्री सेम हो गई. तो हमें क्या दिखाना था, q ऑफ x और r ऑफ x का डिग्री सेम होना चाहिए, जो हमने इधर दिखा दिया. नाउ लास्ट सम, दैट इज डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. रिमाइंडर का डिग्री 0 होना चाहिए. तो पहले ही सम में यही इलस्ट्रेशन आप वापस से लिख सकते हैं. इधर हमारा डिग्री 0 का डिग्री क्या है, 0 raised to 0 ही हुआ, ठीक है ना. तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 into x raised to 0 लिख सकते हैं. तो x raised to 0, एनी नंबर raised to 0, आंसर इज ऑलवेज 1, एंड 0 multiplied by 1 क्या हो जाएगा, 0. तो हम बोल सकते हैं कि ये 0 का डिग्री भी क्या है, 0. तो ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन आप इधर रिपीट कर सकते हो. तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स. थैंक यू.